नमस्कार, प्रोग्राम 8 पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। अब हम नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। राजौरी के बाजीमाल में मुठभेड़ शुरू, दो आतंकियों के घिरे होने का अंदेशा। राजौरी के बाजीमाल इलाके में मुठभेड़ हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहां दो आतंकी घिरे हुए हैं। मौके पर तैनात पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवानों ने संदिग्ध स्थान पर गोलीबारी की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजौरी के उपमंडल कालाकोट के तहत पुलिस स्टेशन धर्मसाल के अंतर्गत सोलकी गांव के बाजीमाल इलाके में विशेष सूचना पर घेरेबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने संदिग्ध स्थान पर गोलीबारी की, दो आतंकियों के घिरे होने की आशंका। श्रीनगर में आतंकी साजिश नाकाम, हथियार समेत दो गिरफ्तार। श्रीनगर में पुलिस ने आतंकी साजिश को एक बार फिर विफल कर दिया। बुधवार को जिले के बेमीना बाईपास पर चेकिंग के दौरान हथियार समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के रहने वाले थे। आरोपियों के पास से 8 ग्रेनेड, 2 पिस्तौल सहित गोला बारूद बरामद किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी इन हथियारों को कहाँ से लाए थे और कहाँ लेकर जा रहे थे, इन सवालों को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। कश्मीर डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष समेत 4 कर्मी बर्खास्त, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। एसएमएचएस अस्पताल श्रीनगर में सहायक प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत डॉक्टर निसारुल हसन समेत 4 सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश जारी किया गया। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बुधवार को डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के अध्यक्ष समेत 4 सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त किए जाने का आदेश जारी किया। राष्ट्र विरोधी और आतंक संबंधी गतिविधियों में उनकी कथित संलिप्तता के आरोप में ये कार्यवाही की गई। हटाए गए कर्मचारियों में एसएमएचएस अस्पताल श्रीनगर में सहायक प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत डॉक्टर निसारुल हसन, उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला वाहक सलाम राथर, जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल अब्दुल मजीद भट्ट और शिक्षक फारूक अहमद मीर शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने पिछले 3 वर्षों में राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए 50 से अधिक ऐसे कर्मचारियों को बर्खास्त करने के लिए भारत के संविधान की धारा 311(2)(c) का इस्तेमाल किया है। घाटी में आतंकियों की 500 से अधिक संपत्तियां जब्त, राज्य इकाइयों के साथ NIA एक्शन में। सुरक्षा बलों का आतंकी संगठनों, उनके नेटवर्क और वित्त पोषण का चौतरफा प्रहार जारी है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का कड़ा प्रहार करते हुए विभिन्न सरकारी एजेंसियों ने ऑपरेशन ऑल आउट वार के तहत आतंकियों की 500 से अधिक संपत्तियां जब्त की हैं। सुरक्षा बलों का आतंकी संगठनों, उनके नेटवर्क और वित्त पोषण का चौतरफा प्रहार किया गया है। सरकार का मानना है कि अगर प्रदेश में इस पूरे नेटवर्क पर काबू पा लिया जाए तो घाटी में आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी, राज्य जांच एजेंसी, राज्य जांच इकाई, प्रवर्तन निदेशालय और जम्मू कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा जैसी एजेंसियों द्वारा विभिन्न जिलों में आतंकियों, उनके समर्थकों और OGW से संबंधित सैकड़ों करोड़ की 500 से अधिक संपत्तियों को जब्त किया गया है। सरकार के अनुसार पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में रहने वाले लगभग 4,200 आतंकियों को भारत सरकार द्वारा घोषित अपराधियों की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है और उनकी संपत्तियों को कुर्क किया गया है। राजस्व विभाग संभवतः संपत्तियों को जब्त करने के बाद ये सुनिश्चित करेगा कि ये संपत्तियाँ ना तो बेची जाएँ और ना ही किसी के द्वारा खरीदी जाएँ। जम्मू के तलाबतिलों स्थित शराब फैक्ट्री में IT का सर्वे, कर की अनियमितताओं के चलते एक्शन। जम्मू के तलाबतिलों और सांबा की शराब फैक्ट्री में दबिश थी। बताया जा रहा है कि जम्मू के ज्वेल स्थित एक होटल और हरियाणा में शराब फैक्ट्री में सर्वे के लिए विभाग की टीमें पहुंची हैं। सूत्रों के अनुसार एक ही मालिक के इन सभी कारोबारी आवासों पर पंजाब के आयकर विभाग की टीमें पहुंची हैं। आयकर की अनियमितताओं के चलते कार्यवाही की गई। अवंतीपुरा मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, 48 घंटे में मारा गया कश्मीरी पंडित संजय शर्मा का हत्यारा, जवान शहीद। अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। मारा गया एक दहशतगर्द हाल ही में पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या में शामिल था। दूसरे की पहचान होना अभी बाकी है। कश्मीर घाटी के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मारा गया एक दहशतगर्द हाल ही में पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या में शामिल था। दूसरे उग्रवादी की पहचान अभी होना बाकी है। मौके से हथियार भी बरामद हुए। अवंतीपुरा में सोमवार मंगलवार देर रात मुठभेड़ शुरू हुई थी। ADGP कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि मारे गए आतंकी की पहचान पुलवामा के आकिब
मुश्ताक भट्ट के रूप में हुई है। उसने शुरुआत में हिजबुल मुजाहिदीन उग्रवादी संगठन के लिए काम किया, अभी वह TRF आतंकी संगठन के साथ काम कर रहा था। ADGP ने बताया कि आतंकी आकिब दिवंगत संजय शर्मा की हत्या में शामिल था। उधर अवंतीपुरा मुठभेड़ में दो जवान भी घायल हुए, उन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान एक जवान शहीद हो गया जबकि दूसरे जवान का इलाज जारी है। फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। शरीर और मन को हील करने हेतु दो दिवसीय महाध्यान व हीलिंग शिविर का आयोजन 25 व 26 नवंबर को किया जाएगा जो निःशुल्क होगा। इसमें सबको भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी जानकारी भी साझा की गई। जो मन से उत्पन्न हो रही है, विज्ञान तो ये कहता है कि 95% बीमारियां मन से पैदा होती हैं और शरीर में आ जाती हैं, जैसे हाई BP, डायबिटीज, माइग्रेन, ज्वाइंट पेन, डाइजेस्टिव इश्यूज, इस तरह की अनेकों बीमारियां जो हैं वो लगभग हर घर में अपना घर बनाने लग गई और उसका कारण मन में है। हम देखते हैं कि मन भी कमजोर होता जा रहा है। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन, ये लगभग हर घर में पहुंच चुका है और न केवल वृद्ध अवस्था में बल्कि युवाओं को, यूथ, इस सबसे बहुत ज्यादा गुजर रहा है। अगर हम यूथ से बात करें, जम्मू में सड़कों का चौड़ीकरण तो किया गया है लेकिन वहां पर सड़कों के किनारे जो सामान बिखरा पड़ा रहता है, इससे गाड़ियों को निकलने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है और इतना ही नहीं लोगों को आने जाने में भी परेशानी होती है। इसी के तहत रोड पर पड़े सामान को GMC ने हटाया। लीजेंड्स लीग का क्रेज, जी हाँ, 10,000 से ज्यादा बिके ऑनलाइन टिकट, अब ऑफलाइन लगा काउंटर। लीजेंड्स लीग के रूप में MA स्टेडियम में 3 दशक बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी हो रही है। 27 नवंबर को पहला मैच मणिपाल टाइगर्स बनाम सदर्न सुपरस्टार के बीच खेला जाएगा। लोगों को दोपहर 3 बजे से स्टेडियम में आने की इजाज़त होगी। लीजेंड्स लीग क्रिकेट 2023 सीजन के 4 मैच जम्मू के MA स्टेडियम में खेले जाएंगे। पहला मैच 27 नवंबर, दूसरा 29, तीसरा 30 और चौथा 1 दिसंबर को होगा। इसे लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। मुकाबलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 5 विकेट बनाए जा रहे हैं। अब तक 10,000 से ज़्यादा टिकट ऑनलाइन बिक चुके हैं। लोगों की मांग को देखते हुए आयोजकों ने टिकट की ऑफलाइन बिक्री भी शुरू कर दी है। अब लोग MA स्टेडियम से टिकट खरीद सकेंगे, टिकट ले सकते हैं और इस मैच का आनंद ले सकते हैं। पूरी जानकारी हम हर दिन आपको देते रहते हैं कि आखिरकार कौन बड़े सितारे हैं जो है यहाँ पर आकर मैच खेलेंगे। आपको जानकारी बता दें कि 27 से लेकर 1 दिसंबर तक यहाँ पर मैच होंगे। ये वो बड़े सितारे हैं, एक बार जूम करके जरा बताएं, जो इस ग्राउंड पर आकर मैच खेलेंगे। हरभजन सिंह, मोहम्मद कैफ, क्रिस गेल बड़ा नाम, यूसुफ पठान, इरफान पठान, सुरेश रैना, गौतम गंभीर, ये वो बड़े चेहरे हैं जो यहाँ पर आकर आपके सामने लाइव मैच खेलेंगे। अक्सर आप इन्हें सिर्फ TV के माध्यम से ही देखते हैं और ये वो MA स्टेडियम है, मौलाना आजाद स्टेडियम, यहाँ पर ये मैच खेले जाएंगे। लगातार PP न्यूज लाइन के माध्यम से हम आपको खबरें दिखाते हैं और प्रयास करते हैं कि आप लोगों को हर खबर तक पहुंचाया जाए। फिलहाल अपनी अपडेट यही है कि जम्मू के MA स्टेडियम के बिल्कुल बाहर आपको ऑफलाइन टिकट यहाँ पर मिल सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवा सकते वो यहाँ पर आकर ऑफलाइन टिकट यहाँ पर आकर ले सकते हैं। और भी कोई अपडेट हमारे पास होगी तो तुरंत आप तक पहुंचाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। देखते रहिए PP न्यूज लाइन जम्मू से। हमारा प्रोग्राम कैसा लगा इस पे आप कमेंट्स कीजिएगा और प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।